So we were in the last class, we have discussed simple gear train. So from the diagram, you can see in the first diagram A, we have two gears which are meshed externally. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर है, और पावर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम ड्राइविंग गियर टू ड्रिवन गियर. इन द सेकेंड फिगर फिगर बी, यू कैन सी देर आर टोटल थ्री गियर्स. फर्स्ट वन इज द ड्राइवर गियर एंड लास्ट वन इज द ड्रिवन गियर. एंड सेकेंड वन द मिडल वन गियर इज द गियर टू इज कॉल्ड कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट गियर. तो ये इंटरमीडिएट गियर है जो कि क्या कर रहा है, पावर रिसीव कर रहा है ड्राइविंग गियर से और ट्रांसफर कर रहा है ड्रिवन गियर पे. एंड लास्ट जो हमारी डायग्राम है, दैट इज फिगर सी, इट यू कैन क्लियरली सी दैट गियर टू एंड गियर थ्री आर कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट गियर. दे आर गेटिंग द रिसीविंग द पावर फ्रॉम द ड्राइविंग गियर गियर वन एंड ट्रांसमिटिंग दैट पावर टू गियर फोर, दैट इज ड्रिवन गियर. तो दिस इज अ सिंपल गियर ट्रेन. सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, वी हैव टू अटैच मोर नंबर ऑफ गियर्स इन द गियर ट्रेन एंड हेंस इट इज कॉल्ड ए गियर ट्रेन. दिस इज द सिंपल गियर ट्रेन विच इज बींग यूज टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. सर नेक्स्ट वी स्क्रीन हैव नहीं द शेयर, स्क्रीन शेयर्ड है मेरी बेटे. सर ब्लैक दिख रहा है पूरा। गोल्ड दिख रहा है तुम्हें? यस सर सर. नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर, दिख हाँ रहा है वहां सर। पे नेटवर्क. हाँ सभी को दिख रहा अब है बेटे. दिखने लगा था। ठीक है. तो दिस इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल गियर ट्रेन. वी लेट अस से वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल गियर ट्रेन इज N1 एंड 2 ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन गियर रिस्पेक्टिवली. T1 एंड T2 आर द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. सो एज वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी रेशियो इन द केस ऑफ द बेल्ट ड्राइव, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो इन द केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन. तो यहाँ पे भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. वहां पे हमने लिया था स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पुली, और यहाँ पे हम लेंगे स्पीड will be the inversely proportional to the number of teeth on the gear. कि अगर number of teeth जो हैं, they will be inversely proportional to the speed of the gear. तो यहाँ पे आ गया हमारा expression आ गया N1 by N2 is equal to T2 by T1. Next we'll have compound gear train. As we have discussed in compound pulley drive में हमने किया था कि क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हमने पावर ट्रांसमिट करनी है लार्ज डिस्टेंस से, दैट इज फॉर जो हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव है, ये हम यूज करते हैं फॉर द डिस्टेंस लेस देन 8 मीटर. लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस 8 मीटर से बढ़ जाता है, तो वी विल यूज कंपाउंड गियर ट्रेन. तो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. वी हैव फर्स्ट वन इज द ड्राइविंग गियर, देन 2 एंड 3 आर द कंपाउंड गियर्स, एंड सिमिलरली 4 एंड 5 आर द कंपाउंड गियर्स. यू कैन सी 2 एंड 3 आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट. इस गियर 2 एंड 3 आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट बी, एंड गियर 4 एंड 5 दे बोथ आर कॉल्ड कंपाउंड गियर एंड दे आर ऑल्सो माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, दैट इज शाफ्ट सी. देन लास्ट वन इज अ ड्रिवन गियर, दैट इज गियर 6 इज अ ड्रिवन गियर विच इज माउंटेड ऑन द लास्ट शाफ्ट, दैट इज कॉल्ड गियर शाफ्ट डी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और उस डिस्टेंस को कैटर करने के लिए विल यूज द सम इंटरमीडिएट गियर्स, सम कंपाउंडेड गियर्स, सो एज टू कैटर द लार्ज डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइविंग टू ड्रिवन एंड. और अगर सपोज करिए कि जहां पे मेरा एरो आ रहा है वहां तक अगर मैंने पावर जो है वो ट्रांसमिट करनी है, तो मुझे और ज्यादा कंपाउंड गियर जहां पे बीच में लगाने पड़ेंगे, ताकि मैं फर्स्ट ड्राइविंग एंड और लास्ट ड्रिवन एंड तक मैं अपनी पावर जो है उसको ट्रांसमिट कर पाऊँ. जो मेरी हर कोई मेरी मेरी एक दो इंटरमीडिएट शाफ्ट है, जहाँ पे शाफ्ट बी और शाफ्ट ई सी है, उन दोनों पे क्या है, दो दो गियर्स है वो मैंने माउंट किए हुए हैं. तो ये दोनों गियर्स एक शाफ्ट में माउंट करने का क्या फैक्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, दैट इज दोनों गियर्स की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. दैट इज इफ टू पर्सन आर राइडिंग ऑन ए बाइक, द स्पीड ऑफ बोथ द पर्सन विल बी सेम. ठीक है. तो सिमिलरली दिस टू गियर्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट बी. सिमिलरली गियर 4 एंड 5 आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट, शाफ्ट सी. सो द स्पीड ऑफ बोथ द स्पीड ऑफ बोथ द शाफ्ट विल बी सेम. वो द शाफ्ट में भी डिफरेंट, बट द स्पीड ऑफ बोथ द गियर्स विच आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट विल बी सेम. तो इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, 4 5 की स्पीड जो है वो भी सेम रहेगी. तो आप देख सकते हैं गियर वन इज मैच्ड विद गियर टू. तो गियर वन जो है वो गियर टू के साथ मैच हुआ हुआ है. तो गियर टू इज एक्टिंग एज ड्राइविंग गियर फॉर गियर वन. वन गियर है वो ड्राइविंग गियर, टू गियर इज एक्टिंग एज ड्रिवन गियर. तो इट इज रिसीविंग द पावर फ्रॉम गियर वन. तो यहाँ से ये पावर को रिसीव कर रहा है गियर वन से, और फिर जो गियर थ्री है, दे आर माउंटेड टू एंड थ्री आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट.
तो जितनी स्पीड से गियर टू रोटेट करेगा उसी उतनी स्पीड से गियर थ्री रोटेट करना शुरू कर देगा एंड इट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग द पावर टू गियर फोर। तो आप एरो देख सकते हैं मेरे मोबाइल का, कर्सर देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वी आर ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम गियर थ्री टू गियर फोर। तो गियर फोर पे पावर जा रही है एंड सिमिलरली यू कैन सी गियर फोर एंड फाइव आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। गियर फोर एंड फाइव आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट सो देर विल बी सेम स्पीड ऑफ गियर फोर एंड गियर फाइव। अल्टीमेटली व्हेन गियर फाइव विल स्टार्ट रोटेटिंग द गियर सिक्स विल स्टार्ट रिसीविंग द पावर फ्रॉम गियर फाइव एंड अल्टीमेटली वी हैव ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम गियर वन टू गियर सिक्स। दीज ऑल गियर्स टू थ्री फोर एंड फाइव आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गियर्स और समटाइम्स कॉल्ड कंपाउंड गियर्स। ठीक है, they are generally called the compound gears on which are mounted on the intermediate shafts. Intermediate shafts मतलब जिनका कोई भी power train value पे या ना ही velocity ratio पे कोई भी effect पड़ रहा है। जब हम calculate करेंगे अगली slide में कि हमारे पास कैसे हम calculate करेंगे velocity ratio, तो वहाँ हम ये calculate करते हुए हम ये पाएंगे कि हमारे पास जो gear 2, gear 3, gear 4 और gear 5 जो compounded gear हैं या फिर हमारे intermediate gear हैं उनका actual velocity ratio पे कोई भी effect नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम velocity ratio जब calculate कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी first driving gear है और जो last driven gear है उसी पे हमारा effect पड़ रहा है। So you can see the article of velocity ratio of calculating the velocity ratio of compounded gear. तो compound gear में आप देख सकते हैं हमारे पास कितने gears हैं। We have इस फिगर में हमने लिए हैं, वी हैव टोटल ऑफ सिक्स गियर्स फ्रॉम गियर वन टू गियर सिक्स। तो हमने सपोज कर लिया कि स्पीड ऑफ ऑल द गियर्स विल बी फ्रॉम N1 टू N6 रिस्पेक्टिवली एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन द ईच गियर इज T1 टू T6 रिस्पेक्टिवली। तो स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो कैसे आएगी, जैसे हमने ओपन बेल्ट ड्राइव में या फिर हमने सिंपल गियर ट्रेन में हमने कैलकुलेट की है, दैट इज N1 बाय N2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। अगर हमारे पास पहला जो गियर है वो सेकंड गियर से मैच है तो क्या आएगा, N1 बाय N2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड कर लिया N1 by N2 is equal to T2 by T1 because जो मेरा सेकंड गियर है वो ड्रिवन गियर है और मेरा फर्स्ट गियर है वो ड्राइविंग गियर है। अगर मैं इस केस सिर्फ 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, then I'll go to 3 or 4 क्योंकि 4 पे अगली शाफ्ट पे जो पावर है फ्रॉम शाफ्ट बी टू शाफ्ट सी पावर कैसे जा रही है, शाफ्ट बी टू शाफ्ट सी पावर कैसे जा रही है, ये जा रही है फ्रॉम गियर 3 टू 4। 3 to 4 जो है वो आपस में मैश है, इसलिए जब पावर जो है शाफ्ट बी से शाफ्ट सी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दिस इज N3 बाय N4 इज इक्वल टू T4 बाय T3। ठीक है, तो ये आ जाएगा N3 बाय N4 इज इक्वल टू T4 बाय T3। तो सिमिलरली जो हमारा हमारी जो अगली शाफ्ट पे जो पावर है 3 से 4 पे की तरफ चलेगी, अब 4 से 6 पे तक हमने पावर भेजनी है तो कैसे जाएगी, 4 एंड 5 आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, 5 तक पावर पहुंच गई और जैसे ही 5 रोटेट करना शुरू होगा ये आगे 6 के साथ मैच है तो क्या हो जाएगा कि पावर जो अल्टीमेटली 6 तक पहुंच जाएगी। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, देन फॉर द गियर 5 एंड 6 स्पीड रेशियो क्या आ जाएगी, N5 बाय N6 इज इक्वल टू T6 बाय T5। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा N1 बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 बाय N4 इनटू N5 बाय N6 इज इक्वल टू T2 बाय T1 इनटू T4 बाय T3 इनटू T6 बाय T5। तो अब देखिए N2 N3 और N4 N5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज़ 2 और 3 गियर्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, उनकी दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। सिमिलरली 4 एंड 5 आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट सी, इन दोनों गियर्स की स्पीड क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे N2 N3 N4 N5। तो ये बन जाएगा N1 बाय N6 इज इक्वल टू T2 इनटू T4 इनटू T6 डिवाइड बाय T1 इनटू T3 इनटू T5। तो यहां पे लिखा हुआ देखो, सिंस गियर 2 एंड 3 आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट बी, सो इसलिए दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी और सिमिलरली गियर 4 एंड 5 आर माउंटेड ऑन शाफ्ट सी, देयरफॉर N4 और N5 आर बोथ आर आल्सो इक्वल। तो ये स्पीड रेशियो क्या बन जाएगी फिर, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन गियर और लास्ट फॉलोअर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग गियर। कि पहले हमने क्या लिया, ये आएगा स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ड्रिवन गियर्स, प्रोडक्ट ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर। 2, 4, 6 मेरे ड्रिवन गियर है और 1, 3, 5 मेरे ड्राइविंग गियर है, क्योंकि 1 मेरा ड्राइविंग गियर बना 2 के लिए, 3 मेरा ड्राइविंग गियर बना 4 के लिए और 5 मेरा ड्राइविंग गियर बना 6 के लिए। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइवर्स
और डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग गियर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द योर सिलेबस एंड एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस, प्लीज म्यूट नितेश, आनंद प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आनंद, अनमोल, अनमोल, अनमोल प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो इन द प्रीवियस गियर ट्रेन वी हैव डिस्कस दैट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, अपनी ही एक्सिस के अराउंड जो गियर है वो रोटेट कर रहे हैं, एक एक्सिस है इनकी उसकी शाफ्ट की और उसके अराउंड ही वो क्या हो रहे हैं, गियर्स रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सिंपल गियर ट्रेन, अगर मैं वापस उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ तो सिंपल गियर ट्रेन में क्या था, हमारी एक्सिस जो थी वो फिक्स थी, ठीक है, चाहे वो इंटरसेक्टिंग एक्सिस है चाहे वो पैरेलल एक्सिस है, एक्सिस हमारी फिक्स थी, उसी एक्सिस के अराउंड जो है हमारा गियर जो है वो रोटेट कर रहा है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंपाउंड गियर ऑल्सो, गियर ट्रेन ऑल्सो, एक्सिस ऑफ द गियर्स आर फिक्स्ड एंड एंड अराउंड दैट फिक्स्ड एक्सिस द गियर्स आर रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। बट वेयर एज इन द केस ऑफ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट गियर ये लगा है, गियर ए, सेकेंड गियर लगा है गियर बी, दिख रहा था अभी को, सेकेंड गियर लगा है गियर बी, ये गियर ए लगा हुआ है, ठीक है, और इसको एक आर्म जो है दोनों गियर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, आर्म का मैं को मैंने नेम दिया है O1 O2, इस आर्म को आर्म क्या कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। देखिए जब आर्म फिक्स है, जब मैंने आर्म को दोनों को बीच में फिक्स कर दिया तो क्या होगा, गियर ए जो है वो भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहेगा और गियर बी भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहेगा, तो ये एक सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्म को कुछ रोटेशन दे दूं, आर्म को अगर मैं ऊपर या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दूं तो क्या होगा, बी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता रहेगा और ए की एक्सिस के भी अराउंड भी रोटेट करना शुरू कर देगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो हमारा गियर ए है वो भी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और गियर बी भी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, और उस पॉइंट पे हमारी आर्म को मैंने फिक्स कर दिया, आर्म की स्पीड क्या है, जीरो कर दी मैंने, आर्म की स्पीड जो है एन सी इज इक्वल टू जीरो कर दी, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, गियर ए भी रोटेट कर रहा है और गियर बी भी रोटेट कर रहा है और दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन रोटेशन क्या ऑपोजिट है और ये एक सिंपल गियर ट्रेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल गियर ट्रेन है, लेकिन जैसे ही मैंने आर्म सी को कुछ मोशन दी तो दोनों की सेंटर में क्या है, आर्म को मैंने हिंज किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो जैसे ही आर्म को मैंने कुछ रोटेशन दी तो गियर बी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड तो रोटेट कर ही रहा है, वो ए के एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसको आप ले सकते हैं कि अगर ये मेरा एक सन है, ए गियर मेरा सन है और बी गियर मेरा एक अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है जब मैंने आर्म सी को रोटेशन दी और वो ए के एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करना शुरू कर रही है, दिस इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। तो पहले, आई रिपीट अगेन, तो पहले जब आर्म सी जो है वो फिक्स्ड है तो ये सिंपल गियर ट्रेन एक्ट कर रही है, लेकिन जैसे मैंने आर्म को कुछ रोटेशन दी, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज में दूं चाहे मैं क्लॉकवाइज में दूं, जिस डायरेक्शन में आर्म की रोटेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में जो गियर बी है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, दिस इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब मैंने आर्म सी को की कुछ मूवमेंट कुछ रोटेशन दे रहा हूँ, आर्म सी को कुछ स्पीड दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ए की एक्सिस तो फिक्स ही रह रही है लेकिन बी की एक्सिस क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। लेकिन पिछली गियर ट्रेन जो हमने पढ़ी है, चाहे वो सिंपल गियर ट्रेन है चाहे वो कंपाउंड गियर ट्रेन है, वहां पे एक्सिस जो थी, ऑल द गियर्स हैव द फिक्स्ड एक्सिस, सारे गियर्स की क्या है, फिक्स्ड एक्सिस होती है, फिक्स एक्सिस होती है सारे गियर्स की। लेकिन जो हमारी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बी है उसकी एक्सिस फिक्स नहीं है, वो रोटेट कर रही है अराउंड द एक्सिस ऑफ गियर ए, ठीक है। जो गियर बी है इट इज बीइंग फोर्स टू रोटेट अराउंड द एक्सिस ऑफ गियर ए, दिस मोशन इज कॉल्ड द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, कि हमारी जो एक्सिस है गियर बी की, मतलब ड्रिवन गियर की जो एक्सिस है वो क्या हो रही है, वो फिक्स नहीं है और उसको फोर्स कर रही है कौन, आर्म सी फोर्स कर रही है इसके अराउंड रोटेट करने के लिए, दिस इज व्हाई सच मोशन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक मोशन एंड दैट्स व्हाई दिस गियर ट्रेन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। नेक्स्ट, तो दिस इज द चार्ट, दिस इज द टेबल ऑफ मोशंस, हाउ विल कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, लेट अस से वी हैव द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एस टी ए एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी एस टी बी, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे चार कंडीशंस लेते हैं हम, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी रेशियो
तो सिंपली जब हमने कंपाउंड गियर ट्रेन लिया या फिर सिंपल गियर ट्रेन लिया, उस केस में हमने जो वेलोसिटी से कैलकुलेट की, तो वहां पे हमारे पास जो एक्सिस फिक्स थी, तो वहां पे हमने सिंपली उसकी स्पीड ले ली N1, N2, N3, N4 एंड N5, N6 इन द केस ऑफ द कंपाउंड गियर ट्रेन, और जितने गियर्स उसमें हैं, अगर सिंपल गियर ट्रेन में है, नंबर ऑफ केसेस जितने नंबर ऑफ गियर जितने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने वहां पे वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट की। लेकिन इस केस में क्या है, हमारी एक्सिस जो है गियर बी की, हमारे ड्रिवन गियर की एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं है, दे आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एंड मूविंग, एंड एज पर द मोशन ऑफ द आर्म सी दे आर बीइंग फोर्स्ड टू रोटेट अराउंड द एक्सिस ऑफ गियर ए। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, वी हैव टू कंसिडर दिस टाइप ऑफ कंडीशन इन केस ऑफ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो फर्स्ट केस क्या है कि मैंने अगर आर्म को आर्म फिक्स कर दी है मैंने, ठीक है, मैंने अगर आर्म फिक्स कर दी है और गियर ए और गियर बी रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगी। गियर ए अगर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में और गियर बी किसमें रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये सिंपल गियर ट्रेन है एंड द गियर्स आर मैच्ड एक्सटर्नली, तो डायरेक्शन रोटेशन विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर इफ द नंबर ऑफ गियर्स आर इवन इन नंबर। यहाँ पे दो गियर्स हैं, इवन इन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन रोटेशन क्या रहेगी, ऑपोजिट टू ईच अदर रहेगी। तो अब पहले केस में मैंने आर्म फिक्स कर दिया, तो गियर ए रोटेट्स अराउंड थ्रू वन रेवोल्यूशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आर्म सी फिक्स है, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। अगर मैं किसी जगह पे बैठा हूं तो मेरी स्पीड जीरो है, दैट इज आर्म सी जीरो हो गई। गियर ए को मैंने स्पीड दी है प्लस वन रेवोल्यूशन दी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -TA/TB। ये कैसे आ रही है TA/TB, देखिए इसी फॉर्मूला को यूज किया है, N1/N2 = T2/T1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख लिया Na/Nb = TB/TA। तो Na की वैल्यू मैंने लिख ली है, कितनी लिख ली है, 1 लिख ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा -TA/TB/TA। तो ये -TA/TB क्या आ गई वैल्यू, Nb की वैल्यू आ गई, गियर बी की वैल्यू, आप कर्सर देखिए, मेरा कर्सर कहाँ है, गियर बी की तरफ है, तो Nb की वैल्यू आ गई -TA/TB। मैंने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, Na/Nb = TA/TB, ठीक है। तो Na की वैल्यू मैंने +1 ले ली, तो ये आ गया -TA/TB। माइनस क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, बिकॉज गियर ए अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिया है तो गियर बी क्लॉकवाइज में आएगा, तो उनकी डायरेक्शन रोटेशन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे -TA/TB लिख लिया, ठीक है। तो दूसरा मैं फिर केस ले रहा हूँ, आर्म फिक्स कर दी मैंने, गियर ए रोटेट कर रहा है प्लस एक्स रेवोल्यूशन में, तो ये आर्म फिर फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। गियर ए को मैंने प्लस एक्स दिया, तो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये सिंपली -TA/TB आ गया। तो अब मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि एन ए की वैल्यू हो गई है एक्स, और एन बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, तो इसको रीअरेंज करेंगे जब, तो ये वैल्यू आ जाएगी -X(TA/TB। अब हम प्लस वाई रेवोल्यूशन जो एड कर रहे हैं सारे एलिमेंट में, कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है यहाँ पे, पहला मेरा आर्म सी है, फिर गियर ए है और गियर बी है। तो आर्म सी को भी मैंने प्लस वाई रेवोल्यूशन दी है जब, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई, मैंने सभी को प्लस वाई रेवोल्यूशन दे दी, तो टोटल मोशन क्या आएगी, सभी में वाई ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी वाई, ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगी Y-X(TA/TB). मतलब ये आर्म सी की स्पीड कितनी आ गई, वाई, गियर ए की स्पीड आ गई एक्स प्लस वाई, और गियर बी की स्पीड आ गई Y-X(TA/TB, ठीक है। तो ठीक है, तो ये स्पीड, तो ये क्या बन जाएगा, Nb-NC/Na-NC = -TA/TB। ये आपको ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप ये टेबल जो है इसको समझिए, इट इज पहले केस में आ जाएगी -TA/TB जब उसको हमने 1 रेवोल्यूशन दिया गियर ए को, जब हम इसको प्लस एक्स रेवोल्यूशन दे रहे हैं तो ये आएगी -X(TA/TB, और आर्म जो सी है वो इसी टाइम पे फिक्स भी है, और नेक्स्ट है जो प्लस वन वाई रेवोल्यूशन हम देंगे ऑल एलिमेंट्स को, तो जा जाएगा प्लस वाई, यहाँ भी प्लस वाई, मतलब सभी एलिमेंट्स में हमने, तीन एलिमेंट्स हमारे पास, गियर ए, गियर बी एंड आर्म सी, तीनों में हमने वाई रेवोल्यूशन को ऐड कर दिया, एंड लास्ट हमने बस जब उसको ऐड किया सारे मोशंस में इस वैल्यू में, तो ये आ गया Y(X+Y)-X(TA/TB, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व ए प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हम हमारी जो वैल्यू है, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें समझ आया है कि नहीं। तो लेट अस हैव इन द प्रॉब्लम, यू कैन रीड डाउन द प्रॉब्लम, इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज टू गियर्स ए एंड बी हैविंग 36 एंड 45 टीथ रिस्पेक्टिवली। गियर ए के टीथ दिए गए हमें, टीए दिया गया हमें 36 और टीबी दिया गया हमें 45। इफ द आर्म रोटेट्स एट 150 RPM इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए व्हिच इज फिक्स्ड,
तो जो आर्म है वो रोटेट कर रही है 150 आरपीएम में इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आर्म ऊपर की तरफ रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स्ड. ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी. हमने गियर बी की स्पीड जो है वो फिक्स करनी है. ठीक है, इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बी फिक्स्ड. पहले केस में क्या है, गियर ए फिक्स्ड है तो मतलब क्या हो जाएगा, एन ए जीरो हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी. दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, इफ गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, की फिक्स होने के अलावा अब फिक्स नहीं है वो, मेक्स 300 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब मैंने उसने क्या किया, ए को स्पीड दे दी है 300 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अब हमने फाइंड करनी है गियर बी की स्पीड. मतलब पहला केस है हमारा जब हमारे पास गियर ए जो है वो फिक्स है, दूसरा केस है हमारे पास जब गियर ए की जो स्पीड है वो 300 आरपीएम जो है वो हमारे पास है. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम जब सॉल्व करेंगे वही वाला टेबल, हर न्यूमेरिकल में हमें ये वाला टेबल यूज करना पड़ेगा, ये वाला टेबल हमें यूज करना पड़ेगा. तो पहला केस है हमारा व्हेन द फाइंडिंग द स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए इज फिक्स्ड. हमारा जब गियर ए फिक्स है तो हमने गियर बी की स्पीड फाइंड करनी है. तो सिंस द स्पीड ऑफ आर्म हमें दी हुई है 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें एनसी की स्पीड दी हुई है 150 आरपीएम. तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को मानना पड़ेगा, अगर मैं पॉजिटिव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को मान रहा हूँ तो नेगेटिव जो है मुझे क्लॉकवाइज को मानना पड़ेगा. तो हमें पता है पहले केस में हमें स्पीड दी हुई है आर्म की 150 आरपीएम एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हम यहाँ से फोर्थ रो जो है हमारी टेबल की वहां से हम ले लेंगे ये वैल्यू, एन सी हमारी वाई है, एन ए हमारी एक्स प्लस वाई और एन बी जो है हमारी वो वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी है. तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 150 आरपीएम. तो यहाँ पे गियर ए फिक्स है तो देयर फोर गियर ए फिक्स है पहले केस में, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. एक्स प्लस वाई जीरो हो जाएगा और यू कैन से एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. तो वाई हमारे पास पहले ही है 150 दिया हुआ है, एन एन सी दिया हुआ है. एन सी किसके इक्वल है, एन सी इक्वल है वाई के, वो हमें दिया हुआ है 150. तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -150 आरपीएम, -150 आरपीएम. अब हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई. वाई की हमें दी हुई थी दैट इज एन सी की वैल्यू दी हुई थी 150, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली -150 आई. टी ए टी बी हमें गिवन है न्यूमेरिकल में कितना है, 36 एंड 45 रिस्पेक्टिवली. तो टी ए टी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई है हमारा एन सी 150 दिया हुआ, प्लस प्लस क्यों हो जाएगा, पहले ये माइनस था यहाँ पे, माइनस उसकी वैल्यू है एक्स की -150, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 150 प्लस 150 इंटू 36/45 टी ए बाई टी बी. इस फॉर्मुला में पुट कर देंगे 36/45, उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +270 आरपीएम. +270 आरपीएम मतलब क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन बी जो है वो रोटेट कर रही है, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो सपोज किया था जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया. तो यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू +150 आरपीएम. तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया. अगर इसका आंसर जो था वो -270 आता तो मेरा आंसर आना था कि द स्पीड ऑफ गियर बी इज 270 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो अगर मेरी वैल्यू आती -270 आरपीएम तो वो माइनस रिप्रेजेंट करता कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर बी विल बी इज वो क्या है, इट इज क्लॉकवाइज. तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने सपोज कर लिया पॉजिटिव न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले. तो सेकेंड केस आ गया, सेकेंड केस मेरा आ गया व्हेन द स्पीड ऑफ गियर बी वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए मेक्स 300 आरपीएम क्लॉकवाइज. मतलब क्या है, मैंने अब क्लॉक न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ही मैंने ले लिया था कि एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. तो अगर ये यहाँ पे क्लॉकवाइज कह रहा है न्यूमेरिकल, आप पढ़िए दोबारा, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक्स 300 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया हुआ है न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ही. तो अब मुझे क्लॉकवाइज को क्या क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. तो ए की स्पीड कितनी है, 300 आरपीएम विद द नेगेटिव साइन. तो ए की ए गियर ए की स्पीड की एज पर द टेबल ऑफ मोशन हमारे पास वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई. क्या होती है, एक्स प्लस वाई. यू कैन सी द लास्ट रो ऑफ द टेबल दैट इज एक्स टेबल टोटल मोशन. तो एन सी की स्पीड होती है वाई, एन ए की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई और एन बी की स्पीड होती है वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी. तो यहां से मैंने एक्स प्लस वाई ले लिया, एन ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एन ए इज इक्वल टू -300 आरपीएम. मैंने माइनस इसलिए लिया है ताकि
ताकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने ली है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिव मान चुका हूँ। अगर आप नेगेटिव मानेंगे तो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा आंसर और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 300, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 300 है, हमें y की वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले y की हमें वैल्यू दी हुई है, nc इज इक्वल टू 150 rpm, यू कैन सी इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो x प्लस वाई माइनस 300 है, y की वैल्यू मेरे पास पहले ही 150 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मैंने 150 पुट किया तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो y x इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस y, माइनस 300 माइनस 150, तो ये आ जाएगा माइनस 450 rpm, x की वैल्यू आ गई माइनस 450 rpm। तो मैं स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगी, एन बी इज इक्वल टू, फिर मैंने जब गियर बी की स्पीड फाइंड करनी है तो वही फॉर्मूला यूज करूंगा, y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी, तो y की वैल्यू आ गई मेरी माइनस, माइनस कितनी है मेरी y की वैल्यू कितनी है प्लस 150, और मेरी x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 450, कितनी वैल्यू आई है मेरी माइनस 450, तो 150 माइनस माइनस 450, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 150 प्लस 450 इंटू टी ए बाई टी बी, दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 36 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, यू कैन सी इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो, दैट इज टी ए एंड टी बी आर गिवन 36 एंड 45, यहाँ पे मैं 36 और 45 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 150 प्लस 450 इंटू 36 बाई 45, यही फॉर्मुला मैं यूज कर रहा हूँ, एन बी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी, तो ये आ गया 150 प्लस 450 इंटू 36 बाई 45, दैट इज वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस 510 rpm, तो प्लस 510 आ रही है, इसका मतलब क्या है, गियर बी इज अगेन रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपको यहां से भी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि गियर ए जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो गियर बी एंटी क्लॉकवाइज में ही करेगा, बिकॉज बोथ द गियर्स आर मैच्ड एक्सटर्नली, बोथ द गियर्स आर मैच्ड एक्सटर्नली मैच्ड हैं, तो ये सिंपल गियर ट्रेन का एक कंसेप्ट है कि अगर गियर एक्सटर्नली मैच्ड हैं और उनकी जो नंबर ऑफ गियर्स की क्वांटिटी है अगर वो इवन है, मतलब तो जहाँ पे हमारे पास दो गियर्स लगे हुए थे तो इवन है क्वांटिटी यहाँ पे, तो हमेशा डायरेक्शन रोटेशन क्या आएगी, ऑपोजिट ही आएगी, तो आपका आंसर आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो ये एक तरह का ये चेक है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर आपको गियर ए की डायरेक्शन रोटेशन क्लॉकवाइज दी हुई है तो आपको श्योर हो जाना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि मेरे गियर बी की जो डायरेक्शन रोटेशन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही आएगी, वो ऑपोजिट ही आएगी जो मुझे गिवन है। सो दिस एंड योर थर्ड चैप्टर, इफ एनी वन हैविंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। Thank you.